आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चला होगा कि हम लोग इसमें टू डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सीखेंगे, जिनको हम लोग बहुत ही कम समय में काफ़ी जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 43 × 26, तो हम लोग अभी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि हम लोग इसको ऐसे नोट करेंगे 43 × 26 और इसका हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है। तो यह जो ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, कोई भी टू डिजिट का नंबर है उसका मल्टीप्लाई बहुत ही कम समय में इस ट्रिक को यूज़ करके कर पाएंगे। जैसे हमें करना क्या है कि जब भी ऐसे नंबर आपको दिए जाएं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इस 4 का इस 2 से मल्टीप्लाई एंड 3 का 6 से मल्टीप्लाई। देखिए, इस एरो का आप लोग दिमाग में मतलब कि नोट कर लें कैसे करना है। पहले वाले डिजिट से और इसके दूसरे वाले डिजिट का इसके दूसरे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 × 2 = 8, तो इसको हमें हरदम टू डिजिट के फॉर्म में नोट करना है। 4 × 2 = 8, पहले 4 × 2 = 8 यहाँ नोट हो गया। फिर 6 × 3 = 18, यहाँ पे क्या नोट हो गया, 18। यानी कि पहले 3 × 6 = 18 एंड फिर 4 × 2 = 8, और हरदम जो इनको लिखना है हमें हरदम टू डिजिट में लिखना है। कहीं भी अगर इस वाले का मल्टीप्लाई करने पर सिंगल डिजिट आए या फिर इस वाले का मल्टीप्लाई करने पर अगर सिंगल डिजिट आ रहा है, तो हमें उसके आगे 0 लगा करके उसे टू डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। देन इसके बाद से क्या करना है हमें, अब इतना करने के बाद से हमें करना क्या है कि हम लोग अगला स्टेप फॉलो करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या है कि हम अब इस वाले नंबर का दोनों अंदर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई एंड दोनों बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 6 = 24 एंड 3 × 2 = 6, एंड इन दोनों को 4 × 6 = 24 एंड 3 × 2 = 6 इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 30। अब इसको हम यहाँ पे इसके नीचे एक नंबर छोड़ के नोट करेंगे 30, और इनको हम आपस में ऐड कर देंगे 8 + 3 = 11। तो ये रहा इनका मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तो जब मैंने सारे इस प्रोसीजर फॉलो किया, मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में कोई भी टू डिजिट का नंबर है उसका मल्टीप्लाई आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। एक और हम और एग्जांपल लेके चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, तो 57 × 24 हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई एंड 7 का 4 से मल्टीप्लाई। तो 7 × 4 = 28, 5 × 2 = 10, ये नोट हो गया। दोनों टू डिजिट के नंबर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद से अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि दोनों बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई एंड दोनों अंदर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 = 20 एंड 7 × 2 = 14, दोनों क्या करना है हमें आपस में ऐड कर लेना है। तो ऐड करें, कितना आ गया 34। अब एक नंबर छोड़ के हम इस नंबर को नोट करेंगे 34, यहाँ पे 8 नोट हो जाएगा, 2 + 4 = 6 हो जाएगा, 0 + 3 = 3 हो जाएगा एंड ये 1। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 1 × 3 = 6 = 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टू डिजिट के नंबर को काफ़ी ईजिली तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और इसका लेवल अप करें। लेवल अप करने का मतलब क्या है कि थोड़े से और बड़े नंबर लेके इस ट्रिक को हम लोग समझेंगे। जैसे हमें दिया है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 77 × 46, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस, पहले इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई 4 से एंड इसका मल्टीप्लाई 6 से। तो 7 × 6 = 42 एंड 7 × 4 = 28। देन अब अगला स्टेप क्या है कि दोनों बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई एंड दोनों अंदर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 × 4 = 42 + 7 × 4 = 28, इनको ऐड करें, कितना आ गया, तो आ गया 60, ठीक है। तो एक नंबर छोड़ के यहाँ पे हम नोट कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 × 4 = 14 = 3 = 3 = 4 = 4 = 2, ठीक है। देन अब थोड़ा सा एक और बड़ा नंबर लेके हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो 97 × 65 हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, 97 × 65। तो हम क्या करें पहले, तो 9 का 6 से 7 का 5 से, 9 × 6 = 54, 6 7 × 5 = 35, नोट हो गया।
7 5 35 9 6 54। देन अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 9 5 45 एंड 7 6 42, इनको आपस में ऐड करेंगे कितना होगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और 8 प्लस करेंगे 5 10 13 एंड ये हो जाएगा 6 6 3 0 5। तो ये ट्रिक है किसी भी टू डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने का। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी टू डिजिट के नंबर को इतना इजी स्टेप्स में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एक और हम लोग नंबर लेके चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे हम क्या करें, हम 99 को मल्टीप्लाई करें किससे, 78 से, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 99 × 78। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 9 का 7 से मल्टीप्लाई और फिर 9 का 8 से मल्टीप्लाई। तो 9 8 = 72 9 7 = 63। देन अगला प्रोसेस क्या है, सेकेंड स्टेप, इनका अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई एंड जो बाहर के नंबर दे रखे हैं इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 9 8 = 72 प्लस में 9 7 = 63, तो कितना हो जाएगा 513, ये आ गया 135। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होगा कि अभी तक हमने जो भी नंबर देखा है वहाँ पे ऐड करने वाला नंबर टू डिजिट का था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आ रखा है कितने डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस एक नंबर छोड़ करके इसको नोट करना है। सेम वही प्रोसेस, ये हो जाएगा 2 7 + 5 12 3 + 3 6 और 1 7 और 6 + 1 7। तो इस तरीके से हम किसी भी टू डिजिट के नंबर को काफ़ी इजी स्टेप्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।